एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बैंक 2021-22 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसका जो है ना एग्जाम है क्लास 12 के मैथमेटिक्स का 3 तारीख कल होने वाला है। तो हम इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सभी विषय क्वेश्चन ना आए, हमको इनमें से मिनिमम क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चनों को किताब से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आप हम इनमें से इनके अलावा और किन क्वेश्चनों को बुक से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, इसमें जो पहला जोटी क्वेश्चन है, यदि समुच्चय 1, 2, 3 में R=1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध इसका जो होगा बी नंबर होगा, केवल स्वतुल्य होगा। जो सेकंड इसमें मेजोरिटी क्वेश्चन है, यदि फलन एफ इस प्रकार एक आर से लेकर आर जो Fx=3x द्वारा परिभाषित है, इसका ये है एफ एक है कि आच्छादक है। इस प्रकार जो इसका तीसरा नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, यदि फलन एफ इस प्रकार है कि एन से लेकर एन एन नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहलाती है जो Fx=2x द्वारा परिभाषित है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी नंबर होगा, एफ एक है कि किंतु आच्छादक नहीं है। इसी में जो इसका तीसरा नंबर है, तीसरा चौथा नंबर जिसमें है, यदि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में R=1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध है, इसका बी नंबर होगा, असतुल्य तथा संक्रामक किंतु सममित नहीं है। इसी में क्वेश्चन नंबर 7th है, माना समुच्चय एन में R=AB इस प्रकार के A=B-2B > 6 द्वारा प्रदत्त संबंध है, तब निम्न में से सही उत्तर चुनिए, तो इसका सी नंबर होगा 6th R=R। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसी में जो 12th नंबर है, माना कि एफ इस प्रकार के आर से लेकर आर इस पर परिभाषित है कि Fx=3x-4 तब एफ इनवर्स x होगा ए नंबर x+4/3। इसी में 14वां नंबर क्वेश्चन है, माना एफ इस प्रकार के अंश लेकिन इस प्रकार परिभाषित है कि Fx=3x जहाँ x∈N तब एफ होगा इसमें से सी होगा एक है कि। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ इस प्रकार एक आर से लेकर आर जहाँ Fx=5x-7 x∈R तब F7 का मान होगा बी नंबर 28। इसी में क्वेश्चन ये, यदि A=1, 2, 3 तो अब यह 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या, इसमें बी होगा 2। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसमें नेक्स्ट है, एफ इस प्रकार एक आर से लेकर आर Fx=3x^3 द्वारा प्रदत्त संबंध प्रदत्त तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा, इसका बी होगा x³। इसी में एक सत्य में, यदि A=1, 2, 3 तो ऐसे संबंध जिसमें जिनमें अब 1, 2, 1, 3 हो और जो स्वतुल्य सममित किंतु संक्रामक नहीं की संख्या 1 है, ये भी सत्य कहता है, ये भी ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आया, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फिर इसमें सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, जिससे कि ये नंबर है 4th नंबर है, सिद्ध कीजिए कि अब कि आर में R=AB इस प्रकार है कि A=B द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है। इसी में 7th नंबर एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में R=AB संख्या 2A-B को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। 8th नंबर इसमें है, यदि Fx=4x+3/6x-4x≠2/3 तो सिद्ध करो कि f(x=x। इसमें 10th नंबर का क्वेश्चन है, यदि फलन एफ का प्रकार है कि n से लेकर n Fx=x² प्रदत्त फलन की एक है कि तथा आच्छादित गुणों की जांच करो। इसमें 12th नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में R=1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है। इससे में एक और अपनी बुक से क्वेश्चन ले सकते हैं, 30 नंबर है, एफ इस प्रकार है कि हम से लिखिए Fx=4x+3 एक फलन है जहाँ Y=N Y=4x+3 x∈N, सिद्ध करना है कि यह व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। ये चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे में जो चैप्टर 2nd है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इससे क्वेश्चनों को देख रहे हैं,
इसका जो पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई तब डी नंबर होगा माइनस पाई बाई टू लेस इक्वल वाई लेस इक्वल पाई बाई टू। इसमें सेकंड नंबर से क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेकंड इनवर्स माइनस टू, इसका हो जाएगा बी नंबर होगा माइनस पाई बाई थ्री। फोर्थ नंबर है कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई अपान सिक्स, इसका हो जाएगा बी नंबर होगा फाइव पाई अपान सिक्स। नेक्स्ट इसका साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, इसका हो जाएगा डी होगा वन। नेक्स्ट है इसमें टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, इसका हो जाएगा ए होगा पाई। नेक्स्ट इसमें कॉस इनवर्स वन बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू का मान ज्ञात करना है, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ही वाले। फोर्टीन नंबर इसका सिद्ध कीजिए कि थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब एक्स बिलोंग टू माइनस वन बाई टू वन बाई टू। इसमें सेवनटीन नंबर क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपान रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपान रूट टू लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल वन। इसमें क्वेश्चन नंबर ये 28 है, दर्शाइए कि टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स टू अपान इलेवन इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री अपान फोर। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 है, सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स टू अपॉन इलेवन प्लस टेन इनवर्स सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई टू, सिद्ध करना है इसमें। इसका 32 नंबर क्वेश्चन है टेन टू साइन इनवर्स वन बाई टू का मान ज्ञात करो। 42 नंबर है टेन इनवर्स साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव प्लस कॉट इनवर्स थ्री अपॉन टू का मान ज्ञात कीजिए। 43 नंबर है दर्शाइए कि साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव माइनस साइन इनवर्स एट अपॉन सेवन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84 अपॉन 85। 44 नंबर है दर्शाइए कि साइन इनवर्स एट अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77 अपॉन 36। ये जो है सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार चैप्टर थ्री है, आप भी उसके कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं। जो पहला नंबर है थ्री क्रॉस थ्री कोड की ऐसी आप भी होंगे कुल संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि की माप जीरो या वन है, इसका डी होगा 512। सेकंड है ए इजकल टू ए आई जे एम प्रोसन एक वर्ग आप भी हो यदि सी होगा एम इजकल टू एन। तीसरा नंबर है आप भी ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होगी यदि डी होगा ए बी इजकल टू बी इजकल टू आई आई इकाई आप भी कहलाता है। फोर्थ है यदि एक आव्यूह ए सममित एवं विषम सममित दोनों ही है तो ए होगा सी होगा एक वर्ग आव्यूह है। सिक्स नंबर इसका यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए सममित आव्यूह होगा यदि ए ऐसे ए परिवर्त आव्यूह बोलते हैं इक्वल टू ए। नेक्स्ट इसका है ए इक्वल टू ए आई जे आई जो है ये पंक्ति को बताता है रो को और जे कॉलम के स्तंभ को बताता है एक वह आव्यूह होगा जब स्तंभ आव्यूह होगा बी बी नंबर होगा इसका ऑप्शन। पहला जो है जो नंबर है वो पंक्ति यानी रो को बताता दूसरा कॉलम को बताता है क्योंकि यहाँ एक कॉलम है इसलिए इसको एक स्तंभ इसलिए एक स्तंभ आप भी बोलते हैं। सेकंड इसमें है इसका ए इजकल टू ए आई जी इंट वन क्लास वन एक पंक्ति आप भी होती है भी सतह कथन ये भी इस विकल्प के रूप में आ सकते हैं क्वेश्चन। ये इसको सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन है टू क्रॉस टू कोड की आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं ए आई जी इक्वल टू वन अपॉन टू मॉडुलस माइनस थ्री आई प्लस जेड। सेवंथ एक्स का मान ज्ञात करो यदि वाई इक्वल टू थ्री टू वन फोर और टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन माइनस थ्री जीरो टू। टेंथ नंबर इसमें दर्शाए दिखाइए कि ए इक्वल टू वन माइनस वन फाइव माइनस वन टू वन फाइव वन थ्री एक सममित आव्यूह। ट्वेल्थ नंबर इसमें क्वेश्चन है एक वर्ग अभी फाइव टू थ्री माइनस सिक्स को सममित एवं विषम सममित आव्यूहों के रूप में व्यक्त करो। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव टू जीरो नाइन तथा एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री सिक्स जीरो माइनस वन। 17 नंबर आव्यूह ए इक्वल टू वन फाइव सिक्स सेवन के लिए सत्यापित करो कि ए प्लस ए परिवर्त आव्यूह
एक सममित आव्यूह, इसी प्रकार ए माइनस सी का परिवर्त आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। ये चैप्टर थ्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर फोर में चलते हैं सारणिक में डिटर्मिनेंट्स में। इसमें जो पहला प्रति क्वेश्चन है, यदि एक्स टू एटीन एक्स करो सिक्स एटीन टू सिक्स एक्स का मान, तो इसका होगा प्लस माइनस सिक्स। बी ए भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। यदि ए थ्री क्रॉस थ्री कोटी का वर्ग आव्यूह है तो मॉडुलस ए होगा, इसका सी होगा के क्यू मॉडुलस ए। थ्री नंबर इसका, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, तो इसको हो जाएगा सारणिक एक वर्ग आव्यूह संबंध एक संख्या है। फोर्थ, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो इसके शीर्ष 2 माइनस सिक्स फाइव फोर तथा के पूर्ण, तो के का मान होगा डी होगा 12 कॉमा माइनस टू। फिफ्थ है इसका, यदि ए थ्री क्रॉस थ्री कोटि का वर्ग आव्यूह है तो मॉडुलस एडजॉइंट ए का मान होगा, इसका हो जाएगा बी होगा मॉडुलस ए का स्क्वायर। सिक्स है, यदि एक कोटि दो का व्युत्क्रमीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट इनवर्स बराबर होगा, इसका हो जाएगा बी वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सेवेंथ था, यदि ए और बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब ए बी के पूरे के इनवर्स का बराबर होगा बी बी इनवर्स ए इनवर्स। एट्थ नंबर, यदि डेल इज कल ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए और ए आई जे का सेकंड ए आई जे है, तब डेल का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, इसका डी होगा ए वन वन प्लस ए टू वन ए टू वन ए थ्री वन ए थ्री वन। इसमें ट्रिक ये है कि दोनों में सेम नंबर ही इसके ऑर्डर होंगे जी। यस ए वन वन ए वन वन इसमें, इसी में ए टू वन इसी में ए थ्री वन ए थ्री वन, मतलब दोनों में ये सेम रहेंगे नंबर। ये इसी में क्वेश्चन आ सकता है इसमें, जैसे कि केवल वर्ग आव्यूह सारणी कहलाता है तो एक सतकथन होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, यदि ए इक्वल टू वन जीरो वन जीरो वन टू वन जीरो जीरो फोर, तो सिद्ध कीजिए कि मॉडुलस थ्री इक्वल टू 27 मॉडुलस से। सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया ये वाला। सिक्स नंबर, सिद्ध कीजिए कि बी प्लस सी ए ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी इक्वल टू 4 ए बी सी। नाइन्थ नंबर, यदि ए इक्वल टू 37 टू 5 तब बी इक्वल टू 6879, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी के इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इलेवंथ नंबर, के का मान ज्ञात हो जबकि त्रिभुज का क्षेत्र पर चार वर्ग इकाई है जहाँ त्रिभुज के शीर्ष के जीरो फोर जीरो जीरो टू है। ट्वेल्थ नंबर है, आव्यूह वन माइनस वन टू टू थ्री फाइव माइनस टू जीरो वन आव्यूह का सहखंडक ज्ञात कीजिए। सोलह नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट इनटू ए इज इक्वल टू मॉडुलस से आई। एट्टीन नंबर, यदि ए इज इक्वल टू 133 134, तो सत्यापित कीजिए कि एडजॉइंट इज इक्वल टू मॉडुलस से इकाई आव्यूह और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है इनवर्स आव्यूह। 19 नंबर है, सारणिक 2-3 5 6 0 4 0.5-7 के आव्यूहों के उप सारणी तथा सहखंड ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर 5 है, सातत्य तथा अवकलनीयता। इससे जो क्वेश्चन है, पहला नंबर है 5 पावर एक्स का एक्स सापेक्ष अवकलन अवकल गुणांक होगा, जिसको ए नंबर होगा 5 पावर एक्स लॉग ई 5। सेकंड है, एक्स पावर 6 का एक्स पावर 3 के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा, जिसका सी होगा 2x³। इसमें क्वेश्चन नंबर ये है, सतसत वाले हैं कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर सतत व अवकलनीय असत कथन होगा। तीसरा, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है सत्य है। नेक्स्ट है, ए पावर 2x का अवकल गुणांक ए पावर 2x लॉग 2 होता है, असत कथन है। इसी में नेक्स्ट है, लॉग एक्स का अवकल गुणांक लिखिए, इसका हो जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात करिए, यदि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 के एक्स इक्वल टू 0 एक्स 0 पर सतत है। सेवंथ में ऐसा क्वेश्चन है, यदि एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का मान थीटा इक्वल टू पाई वाई पर ज्ञात कीजिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई, तो सिर्फ तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। 11th नंबर, यदि एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो।
12 नंबर है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 5 के, इसमें क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 में देखते हैं अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव्स। इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, तो इसका जो बी नंबर होगा 12 से 5। सेकंड नंबर, एक उत्पाद एक्स की इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में आर एक्स इक्वल टू रुपये एक्स इक्वल आर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है, जब एक्स इक्वल टू 15 तो सीमांत आय होगी, इसका डी नंबर होगा 126। तीसरा नंबर पर, वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स के एक्स इक्वल 0 पर अवलंब की प्रवणता, डी नंबर होगा -1/3। फिफ्थ नंबर, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पर 0.5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु का ए नंबर होगा 2√2,4। इसका फर्स्ट नंबर एक बाकी में शब्द में उत्तर लिखने वाले, रेखा y इक्वल टू mx प्लस 1 वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है, तो m का मान होगा 1 होगा। फोर्थ, वक्र 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 के बिंदु 1 पर अभिलंब का समीकरण लिखो, इसका हो जाएगा x-y = 0। इसमें क्वेश्चन है कि किसी उत्पाद की एक इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में आर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 से प्रदत्त है, जब x इक्वल टू 5 तो सीमांत आय 36 रुपये होगी, ये सत्य कथन होगा। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, जबकि आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यह सत्य कथन है। सॉल्व करने पर इसमें क्वेश्चन है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से टिकी है, सीढ़ी के निचले सिरे को दीवार से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हटाया जाता है, सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई किस दर से कम होगी जब इसका निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर हो। सेवंथ नंबर है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर गति से चलती हैं, जब वृत्त का तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है। 11th नंबर है, वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को याद करो जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, दो धनात्मक संख्याएं एक्स और वाई ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 और गुणनफल महत्तम हो। 15 नंबर है, फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान ज्ञात करो। चैप्टर 7 है, पहला इसका जटिल क्वेश्चन है, रूट एक्स प्लस 1/√x प्रति अवकलज है, इसका ए नंबर होगा 1/3x^1/3 प्लस 2x^1/3 प्लस सी। इसमें फिफ्थ नंबर है, इंटीग्रेशन 1√3 dx/1 प्लस स्क्र बराबर, इसका डी होगा π/12। सिक्स नंबर, इंटीग्रेशन 0 to 2/3 dx/4 प्लस 9x² बराबर ऐसी होगा π/24। इसका जो सही जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 10x^9 प्लस 10x log 10x dx/x^10 प्लस 10x होगा, इसका बी नंबर होगा log 10x प्लस x^10 प्लस सी। सेकंड है, इंटीग्रेशन dx/sin²x cos², इसका वो जो है ए नंबर होगा 10x-cos x, इसका यहाँ cot x होना चाहिए, cot x यहाँ होना चाहिए इसका। तीसरा, इंटीग्रेशन sin²x-cos²x dx का डी नंबर होगा 10x+cot x + c। फोर्थ है, इंटीग्रेशन e^(x)(1+x)/cos²x e^(x)(dx), इसका सी नंबर होगा 10x e^(x)+c। फिफ्थ नंबर है, इंटीग्रेशन 0 to π/2√sin²√cos dx, इसका जो मुझे एफ होगा π/4। सिक्स इसका है, सिक्स नंबर है, इंटीग्रेशन 0 to 1x e^(x)dx, इसका जो हो जाएगा ई नंबर होगा 1। इसी में फोर्थ नंबर, फोर्थ डी का इंटीग्रेशन dx/√x²-a² इसका डी हो जाएगा log x+√x²-a² + c। सेकंड है, इंटीग्रेशन dx/a²√a²-x²c
इसका सी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। तीसरा नंबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए होगा वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। फिफ्थ है इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका एफ नंबर होगा वन अपान टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, जितने भी समाकलन में इंटीग्रेशन में फार्मूले हैं उन फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन सही जोड़ी के रूप में आते हैं, उसको आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसी प्रकार इसमें जो है ये फोर्थ है फोर्थ में इस फोर्थ का जो आंसर इसमें बी नंबर होगा इसका इंटीग्रेशन वन अपान इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी होगा वन अपान टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरे नंबर का जो था इंटीग्रेशन वन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका ए होगा वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। फिफ्थ नंबर है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका एफ होगा वन अपॉन टू एक्स प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सिक्स नंबर है इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका ई होगा वन अपॉन टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी में जिसका फोर्थ ही है इंटीग्रेशन लॉग एस डी एस स्क्वायर डी हो जाएगा एक्स लॉग एस माइनस एक्स। दूसरा है इंटीग्रेशन कॉट एस डी एस स्क्वायर जो हो जाएगा एफ होगा लॉग साइन एक्स। तीसरा है इंटीग्रेशन जीरो टू पाई कॉस एक्स डी एस स्क्वायर पी नंबर होगा जीरो। फोर्थ है इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एस डी एस स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस पाई बाई टू लॉग टू। फिफ्थ है इंटीग्रेशन वन से रूट थ्री डी एस अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका ए हो जाएगा पाई बाई ट्वेल्व। सिक्स नंबर इसका है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इसका सी नंबर होगा टेन ई की पावर एक्स। सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस पावर फाइव एक्स प्लस साइन की पावर फाइव एक्स प्लस कॉस पावर फाइव एक्स का मान ज्ञात करना है इसमें। सिक्स नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एस का मान ज्ञात करो। एट्थ नंबर इसका है इंटीग्रेशन जीरो टू वन टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एस का मान ज्ञात करो। इसी में टेंथ का जो फिफ्थ नंबर है इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका मान ज्ञात करना है। इसके और इसमें जो एट्थ नंबर इसका है इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स एक्स डी एक्स पावर एन प्लस वन डी एक्स इसका मान ज्ञात करना है। फिर मैंने कुछ प्रश्नों को किताब से लिया, जैसे कि इलेवेंथ नंबर है इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एस डी एस का मान ज्ञात करो। ट्वेल्व नंबर है सिद्ध करो कि इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एस इक्वल टू पाई बाई फोर। थर्टीन नंबर है इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एस का मान ज्ञात करो। फोर्टीन नंबर है इंटीग्रेशन लॉग एस डी एस का मान ज्ञात करो। फिफ्टीन नंबर है इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एस डी एस का मान ज्ञात करो। 16 सिद्ध करो कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग इंटू 1 प्लस टेन एक्स डी एस इजकल टू पाई बाई 8 लॉग 2। 17 नंबर सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग ई साइन एक्स डी एस इजकल टू पाई बाई 2 लॉग 18 लॉग ई 1 बाई 2। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे समाकलन चैप्टर से। इसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग में देखते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें प्रथम चतुर्थांश में एक्स वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एवं रेखाओं एक्स इक्वल टू 0 एवं एक्स इक्वल टू 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा ए नंबर होगा पाई। सेकंड है वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स वाई एक्स एवं रेखा वाई इज इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा बी 9/4। तीसरा है वक्र वाई इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स अक्ष एवं कोटि एक्स इक्वल टू -2 तथा एक्स इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा डी होगा 17/4। नेक्स्ट इसका है वक्र वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ एक्स एक्स अक्ष एवं रेखाओं एक्स इक्वल टू ए तथा एक्स इक्वल टू बी बी ग्रेटर ए से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा इसका इंटीग्रेशन ए से बी वाई डी एक्स सतकथन होगा।
सेकंड है जिसमें वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका ए स्क्वायर का क्षेत्रफल 2π ए स्क्वायर होता है, तो यह सत्य कथन है। नेक्स्ट है वक्र वाई स्क्वायर स्क्वायर टू एक्स रेखाओं एक्स स्क्वायर टू वन एक्स स्क्वायर टू फोर एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जो है 14/3 होगा। नेक्स्ट इसका वक्र एक्स स्क्वायर स्क्वायर टू फोर वाई वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर टू फोर एवं वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, तो इसका जो है 32 - 8√2/3। सॉल्विंग क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले फोर नंबर है वक्र वाई स्क्वायर स्क्वायर टू फोर एक्स एम रेखाओं एम रेखा। फोर्थ नंबर से कोई क्वेश्चन है वक्र वाई स्क्वायर स्क्वायर टू फोर एक्स एम रेखा एक्स स्क्वायर टू थ्री से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिफ्थ नंबर है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर टू 32 रेखा वाई स्क्वायर टू एक्स एम एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिक्स नंबर है दिए गए वृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर टू 0 होना चाहिए इसका से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ जो है ये 1 होगा बराबर 1 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सेवंथ है वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एवं रेखा एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये कुछ मैंने किताबों से क्वेश्चन लिया है। नाइन्थ नंबर वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करो। टेंथ नंबर दिए गए वृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चैप्टर 9 अवकल समीकरण इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। फर्स्ट इसका है अवकल समीकरण 2x²(d2y)(dx2-3dy/dx+y=0) की कोटि होगा, इसका जो हो जाएगा इसमें इसका ए नंबर होगा 2। सेकंड है अवकल समीकरण x²(d2y)(dx2+xdy/dx)(2-y)(dy/dx)=0 की घात होगा, इसका जो हो जाएगा इसमें बी नंबर होगा 1। सी में ये क्वेश्चन अवकल समीकरण (dy)(dx²)(dy/dx)-sin²y कोटि एवं घात लिख दूसरा जो कोटि हो जाएगा 1, इसका जो घात होगा वो जाएगा 2। इसी में जो फर्स्ट नंबर है ये अवकल समीकरण (dy)(dx)(e)(x+y) का व्यापक हल (e)(x+e)-y)(c) है, ये सत्य कथन होगा। इसमें नेक्स्ट इसका है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है अवकल समीकरण (dy)(dx)(y)(tan(x)y)(2x)=0 का विशिष्ट हल होगा, इसका जो है sec x हो जाएगा। सॉल्व करने वाला क्वेश्चन जैसे कि सेवन वाला क्वेश्चन है अवकल समीकरण (dy)(dx)+y)=1 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। एट्थ का फर्स्ट है हमको समीकरणों के व्यापक हल ज्ञात करना है (x²+x)(dy)(dx)²+y)(tx)। ये नाइन्थ का सेकंड है अवकल समीकरणों के विशिष्ट हल ज्ञात करना है जैसे (dy)(dx)+(2by)(tan(x)(tan(x)(sin(x)y)=2 यदि (x)(π/3)। फिर मैंने इसमें कुछ बुक से क्वेश्चनों को लिया है जैसे टेंथ नंबर है अवकल समीकरण (cos(x)(dy)(dx)+(y)=sin(x) को हल करो। इलेवंथ नंबर (dy)(dx)(x)log(x) को हल करो। ट्वेल्व नंबर है (dy)(dx)+(y)(x)² को हल करो। थर्टीन नंबर है (dy)(dx)+(y)(tan(x)sec(x) को हल करो। फोर्टीन नंबर हल करो (sec²(x)+(tan(y)dx)+(sec²(y)(tan(x)dy)=0। फिफ्टीन नंबर है सिद्ध करो कि (y)(4sin(3x) अवकल समीकरण (d2y)(dx)²(9y)=0 का एक हल है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे चैप्टर 9 के। टेंथ नंबर जो चैप्टर इसमें जो पहले से मौजूद क्वेश्चन है किसी त्रिभुज ABC के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं, तो इसका जो हो जाएगा C नंबर हो गया (AB+BC-C)=0।
सेकंड है यदि ए और बी दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, किसका हो जाएगा बीस का रूप पाई ए, इस सदिश का ये चिन्ह होता है वेक्टर का किसी अदिश पाई के लिए। तीसरा नंबर यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है और पाई एक शून्येतर अदिश पाई एक, शून्येतर अदिश है पाई एक, ए एक मानक सदिश है, यदि डी होगा ए इक्वल टू वन अपान वन पाई, ये चुनिए मॉडुलस का चिन्ह है मॉडुलस पाई। फोर्थ यदि सदिशों ए और बी एक इस प्रकार हैं कि ए इक्वल टू थ्री और मॉडुलस बी इक्वल टू टू अपान थ्री, तब मॉडुलस ए क्रॉस बी एक मात्र सदिश है, यदि ए और बी के बीच का कोण है बी होगा पाई बाई फोर। नेक्स्ट इसका है एट नंबर है यदि आई क्रॉस जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस जे डॉट ए आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान होगा सी होगा वन। सेवन नाइन्थ है इसका ये, इसमें यदि सदिशों दो सदिशों ए और बी के बीच कोण थीटा है तो मॉडुलस ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ए क्रॉस बी, जब जब थीटा बराबर है बी होगा पाई बाई फोर। नेक्स्ट इसका है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग वन होता दिया सत्य कथन है, क्योंकि उनका सदिश योग जीरो होना चाहिए इस पोजीशन में। सेकंड है दिए हुए सदिश ए के लिए ए इक्वल टू ए मॉडुलस ए ए की दिशा में मात्र सदिश इसका सत्य कथन है। नेक्स्ट है इसमें आई क्रॉस आई इक्वल टू जे इक्वल टू के इक्वल टू जीरो, इसका रिजल्ट होता है। सेवंथ नंबर इसमें क्वेश्चन दर्शाइए कि सदिश टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर की और माइनस फोर आई प्लस सिक्स जे माइनस एट के समरेख हैं। एट्थ नंबर है सदिशों आई प्लस टू जे प्लस थ्री के और सदिश थ्री आई माइनस टू जे प्लस के बीच का कोण ज्ञात करो। नाइन्थ नंबर है दो सदिशों ए और बी के परिमाण क्रमशः रूट थ्री एवं टू हैं, तब ए डॉट बी इक्वल टू रूट सिक्स, तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करो। इलेवंथ नंबर इसमें है यदि ए इक्वल टू टू आई प्लस जे प्लस थ्री के और बी इक्वल टू थ्री आई प्लस फाइव जे माइनस टू के, तो ए क्रॉस माइनस ए क्रॉस बी ज्ञात करो। इसी में थर्टीन नंबर जो क्वेश्चन है एक्स का मान ज्ञात करो जिसके लिए एक्स इंटू वन आई प्लस जे प्लस के एक मात्र सदिश हैं। फोर्टीन नंबर है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष बिंदु ए वन 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 बी टू वन टू थ्री सी वन टू थ्री वन है। इलेवंथ चैप्टर है त्रिभुज ज्यामिति थ्री डी, इसके अंतर्गत जो पहला बेटी क्वेश्चन है समतल प्लस माइनस वाई प्लस फोर जेड इजकल टू फाइव और फाइव एक्स माइनस टू टू पॉइंट फाइव वाई प्लस टेन जेड इजकल सिक्स है पी होगा समांतर। सेकंड है दो समतुल्य हैं टू एस प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इजकल जीरो और फोर एस प्लस सिक्स वाई प्लस एट जेड इजकल जीरो ट्वेल्व के बीच की दूरी डी होगा टू अपॉन रूट ट्वेंटी नाइन इकाई। तीसरा है वाई जो समतल का समीकरण होगा सी ओ एक्स इजकल टू जीरो। फोर्थ है एक्स एक्स के समांतर समतल का समीकरण के रूप का होगा, तो यह होगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजकल टू जीरो। यदि यहाँ पूछता है कि वाई एक्स के समांतर समतल का समीकरण तो वह हो जाएगा ए एक्स प्लस सी जेड, मतलब वहाँ बी वाई कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यदि जेड एक्स के समांतर समतल का समीकरण पूछता है तो वहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इजकल टू जीरो। जो पूछेगा वो वाला उसमें टर्न वो टर्म नहीं आएगा, जैसे यहाँ एक्स पूछे तो यहाँ एक्स वाला टर्म नहीं है क्योंकि वाई जेड वाला आया है। फिफ्थ है एक्स अक्ष के लंबवत समतल का समीकरण होता तो इसका हो जाएगा ए एक्स इसका एच अचर। सिक्स है यदि रेखा के अक्षों पर प्रक्षेप टू कॉमा माइनस वन कॉमा टू हो तो रेखा की लंबाई होगा डी थ्री। सेवेंथ मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण निम्न रूप होता है तो डी होगा आर एन इजकल टू डी। एट्थ है यदि रेखा आर इजकल टू ए प्लस आर बी तब आर माइनस एन इजकल टू डी के बीच की न्यून कोण थीटा है तो साइन थीटा इजकल टू सी होगा मॉडल्स एन बी अपॉन मॉडल्स एन मॉडल्स बी। टेंथ इसका है घन के इन्हीं दो विकर्णों के बीच की कोण की ज्या का मान होता है माइनस वन अपॉन थ्री। सॉल्विंग क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले दर्शाइए कि बिंदु टू थ्री फोर माइनस वन टू माइनस वन कॉमा माइनस टू कॉमा वन
फाइव कामा एट कामा सेवन संरेख है। सिक्स नंबर है बिंदु फाइव कामा टू कामा माइनस फोर से होकर जाने वाली तथा सदिश थ्री आई प्लस टू जे माइनस एट के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो। इसी का टेंथ नंबर उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से सात मात्र की इकाई दूरी पर है और सदिश थ्री आई प्लस फाइव जे माइनस सिक्स के पर लंब है। इलेवंथ नंबर उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड अक्षों पर क्रमशः दो तीन चार अंतःखंड काटता है। फोर्टीन नंबर मूल बिंदु से समतल प्लस माइनस थ्री वाई प्लस फोर जेड माइनस सिक्स जीरो पर डाले गए लंब की पात के निर्देशांक ज्ञात करो। फिफ्टीन नंबर है समतल प्लस माइनस थ्री वाई प्लस फाइव फोर जेड माइनस सिक्स जीरो की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। इसमें के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा किसी रेखा के दिक को जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू फोर पाँच थ्री। इसमें असत्य कथन हो गई। चैप्टर 12 है रैखिक प्रोग्रामन, इससे कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे पहला नंबर है असमीकरण असमीकरण निकाय टू एक्स प्लस फाइव टू एक्स प्लस वाई लेस इक्वल टेन एक्स प्लस थ्री वाई लेस इक्वल फिफ्टीन एक्स वाई ग्रेटर जीरो से निर्धारित सुसंगत क्षेत्र के कोने बिंदु जीरो जीरो फाइव जीरो थ्री फोर जीरो फाइव फोर जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई जहाँ पी क्यू ग्रेटर जीरो पी क्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंध उचित है ताकि जेड का अधिकतम तीन चार और जीरो फाइव दोनों पर घटित हो तो होता है। इसका डी नंबर हो गया क्यू इक्वल टू थ्री पी। सेकंड है उद्देश्य प्रण जेड इक्वल टू थ्री एक्स प्लस नाइन वाई का न्यूनतम मान में से किस कोणीय बिंदु पर होगा तो इसका बी होगा फाइव फाइव। तीसरा है उद्देश्य प्रण जेड इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई का अधिकतम मान निम्न में से किस कोणीय बिंदु पर है तो इसका हो जाएगा बी नंबर होगा थर्टी जीरो। सेकंड है रैखिक प्रण जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई जबकि ए बी अचर है जिसका अधिकतमकरण या न्यूनतमीकरण होना है एक रैखिक उद्देश्य प्रण कहलाता है। सेकंड है सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य प्रण का इष्टतम मान देता है इष्टतम हल कहलाता है। तीसरा है सुसंगत क्षेत्र प्रदत्त समस्या के लिए रैखिक प्रोग्रामन समस्या के लिए नेत्र विरोध हो एक्स वाई ग्रेटर जीरो ग्रेटर इक्वल जीरो सभी सहित सभी विरोधों ये एक नियत उभयनिष्ठ क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। तीसरा है सुसंगत क्षेत्र के अंतर्भाग के तथा सीमांत अंतर्भाग के तथा सीमांत बिंदु व्यवरोधों की सुसंगत हल को प्रदर्शित करते हैं। तो सत्य कथन है सेकंड है इसका सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी भी बिंदु को असंगत हल कहते हैं तो ये भी सत्य कथन है। इसको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है फोर्थ है निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत जेड इस प्रोडक्ट थ्री एक्स प्लस टू वाई के न्यूनतमीकरण कीजिए एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल थ्री थ्री एक्स प्लस फाइव वाई लेस इक्वल फिफ्टीन एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो वाई ग्रेटर इक्वल जीरो। फिफ्थ नंबर है निम्न विरोधों के अंतर्गत जेड इस प्रोडक्ट थ्री एक्स प्लस फोर वाई का अधिकतमीकरण कीजिए इसमें इसके विरोध दिए गए हैं एक्स प्लस वाई लेस इक्वल फोर एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो और वाई ग्रेटर इक्वल जीरो। इनमें से हमको उन्हें क्वेश्चनों करना जो हम जिसको हम इजीली कर सकते हैं ज़्यादा हमको टफ क्वेश्चन क्यों नहीं जाना क्योंकि उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी होती है। फिर इसमें जो 13 नंबर जो चैप्टर है प्रायिकता इसका जो पहला बिट क्वेश्चन है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी अपान बी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है इक्वल टू पी बी अपान इज नॉट इक्वल टू जीरो तब डी होगा इसका पी ए इक्वल टू पी बी। सेकंड ना यदि पी इक्वल टू वन अपान टू पी बी इक्वल टू जीरो तब पी अपान बी होगा परिभाषित नहीं सी। तीसरा है एक पासे का जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता तो इसका हो जाएगा टी वन अपान थर्टी सिक्स। फोर्थ है दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि ए यदि बी होगा पी ए नॉट बी नॉट इक्वल टू वन माइनस पी ऑफ ए इंटू वन माइनस पी ऑफ बी। फिफ्थ है इसका दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि इसका ए नंबर होगा ए सबसेट ऑफ बी। सेकंड है इसमें यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जीरो होता है यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ए यूनियन बी बराबर पी या बी पी प्रोबेबिलिटी या पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है जबकि क्वेश्चन के रूप में इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। सी में नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण की दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तब पी ई इंटरसेक्शन एफ इज कॉल्ड पी इंटू पी एफ
नेक्स्ट इसके दो घटनाओं ई और एफ को परस्पर स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं यदि पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी इंटू पी एफ सत्य कथन नहीं है। यदि ए और बी परस्पर पची घटनाएं हैं तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी असत्य कथन नहीं है। तीसरा यदि ए और बी परस्पर पची घटनाएं हैं तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये भी सत्य कथन है। इसको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर यदि पी ए इक्वल टू 0.8 पी बी इक्वल टू 0.5 पी बी अपॉन ए इक्वल टू 0.4 तो निम्न के मान ज्ञात करो। पहला पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड पी ए अपॉन बी, तीसरा पी ए यूनियन बी। सिक्स नंबर यदि पी ए यूनियन बी तो निम्न ज्ञात करो यदि टू पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 और पी ए अपॉन बी इक्वल टू 2/5। सेवंथ नंबर है एक 500 को दो बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, संख्या 4 की न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने से यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एट्थ नंबर एक 500 को दो बार उछाला गया, घटना 500 पर प्राप्त संख्या 3 का अर्थ है को ई से तथा 500 पर प्राप्त संख्या को एफ से निरूपित किया जाए तो ई तो क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, पिछली बार क्वेश्चन ये आया था एक दो साल पहले क्वेश्चन आया था ये वाला। टेंथ नंबर एक 500 को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 11th यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो जहां पी ए इक्वल 0.3 पी बी इक्वल 0.6 तो निम्न को ज्ञात करो। पहला नंबर पी ए और बी, सेकंड पी ए और बी नहीं, सी पी ए और बी और डी पी और बी में कोई भी नहीं। 13th नंबर है 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन किए दो पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए, पहले दो पत्ते बाद सब तीसरे पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता की क्या प्रायिकता है इसको मतलब इसमें इक्का होने की क्या प्रायिकता है याद करना है। इसमें ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी चैप्टर्स जो हमने इसमें लिए, तो इन क्वेश्चनों को हमें बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और ज़्यादा हमें टफ क्वेश्चनों की ओर नहीं जाना है, जो हम क्वेश्चन उसको इजीली कर सकते हैं उन्हीं को करना है क्योंकि एग्जाम टाइम में काफ़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए हमको धैर्य के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हम इस विषय संबंधित जो भी वीडियो बनाएंगे उसका मैसेज या उसको नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।